सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सो गाइस, फिर से एक नई वीडियो के साथ आ जाएगा आप लोगों के सामने। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हम आपको बताने वाले हैं ड्रीम 11 पे अगर आप 8 मनी नहीं कर पा रहे, 8 कैश नहीं कर पा रहे, कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। गाइस, पूरा आज का वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 110% आपका जो प्रॉब्लम है 8 कैश का वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे आसाम पे हो, उड़ीसा में हो, या कोई कहीं पर भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। अगर इस प्रकार से प्रॉब्लम हो रहा है 8 कैश का, तो इस प्रॉब्लम को आप चुटके में यूँ सॉल्व करना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मैं क्या क्या आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ उसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। आपका मोबाइल चाहे कोई सा हो, वीवो ओप्पो, तो आपको ऊपर नीचे शायद हो सकता है, लेकिन जो मैं सेटिंग आपको बताऊंगा वही सेटिंग करना है आपको, फिर आपको 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं स्कीम पे, वहाँ पर पूरा। सो गाइस, आज को हम अपना मॉल का स्कीम पे। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ड्रीम 11 एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ। गाइस, यहाँ पे जैसे मैं ड्रीम 11 एप्लीकेशन को ओपन कर दिया, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 8 मनी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कितना है मेरा, जो कि 10 रुपया 82 पैसा मेरा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, जो कि मैं विड्रॉ का ऑप्शन भी दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 मनी पे जैसे मैं टैप करता हूँ गाइस, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम इशू आ रहा है, देख सकते हो। हाँ, कि इसका ऊपर भी मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए, तो अगर वो वीडियो देख के भी आपका नहीं हुआ तो इस वीडियो में 100% हो जाएगा। और आपको लैब प्रूफ हम विड्रॉ जो कि सॉरी 8 मनी करके बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप 8 मनी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है, देख सकते हो फिर से मैं कर रहा हूँ 8 कैश पे, तो फिर से वही प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले आपको जाना है बैक जाने के बाद आपको अपना जाना है प्ले स्टोर पर। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सर्च बार पर टैप कर लेना है GPS। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर देख सकते हो GPS सिम्युलेटर आ गया ऊपर, तो यहाँ पर आपको कर लेना है टैप। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैं पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो गाइस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसको साइड में रख देना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको रख देना है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपना मोबाइल का सेटिंग पर चल जाना है, आपका चाहे कोई सा भी मोबाइल हो, वीवो ओप्पो सैमसंग गैलेक्सी कोई सा भी हो चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल का जाना है अबाउट फोन पे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मेरा मोबाइल का अबाउट फोन पर आ गया मैं नीचे पे, आपका ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फ़ोन का ऊपर डिपेंड है, मगर यहाँ पे अबाउट फोन पाने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो आ गया यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आ जाता हूँ गाइस, देख सकते हो ऊपर सबसे लिखा हुआ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं टैप करता हूँ गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बेल्ट नंबर, यहाँ पे आपको 6 से 7 बार टैप कर लेना है। ठीक है, तो चलो मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ से मैं 7 बार टैप कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है गाइस, यहाँ से आपको बैक आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पे चल जाना है, इसको सेटिंग का सर्च बार पे। ठीक है, सर्च बार पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टैप कर लेना है डेवलपमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे जब टैप किया तो यहाँ पे आ गया, देख सकते हो डेवलपमेंट ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो आपको डेवलपमेंट ऑप्शन पे टैप कर लेना है गाइस। उसके बाद गाइस डेवलपमेंट ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है गाइस। ठीक है, नीचे आना है इस प्रकार से, स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पे चेक कर लेना है सिलेक्ट मूव लोकेशन, या आप कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ सिलेक्ट मूव लोकेशन या आप। सो गाइस यहाँ पे जैसे देख सकते हो मेरा सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप यहाँ पे नोटेबल दिख रहा है, तो मेरे यहाँ पे सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप पे टैप कर देता हूँ। आपका ऊपर नीचे हो सकता है, मेरा नीचे है, आपका कौन सा फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर डिपेंड है, ऊपर नीचे इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो मेरा नीचे देख सकते हो सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टैप कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि जो एप्लीकेशन था ना, जो GPS सिम्युलेटर, वो एप्लीकेशन यहाँ पर आ गया, तो एप्लीकेशन का ऊपर आपको टैप कर लेना है, एक बार टैप करके छोड़ देना है, फिर आपको यहाँ से काम हो गया। फिर आपको जाना है वही एप्लीकेशन पे जो अभी आप जस्ट डाउनलोड किए हो। ठीक है, यहाँ पे मैं चल जाता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर, उसके बाद आपको एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर लेना है गाइज। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये लोड हो रहा है। सो गाइज जैसे देख सकते हो ये लोड हो गया, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर टैप कर रहे तो ये स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा 8 चल रहा होगा, तो आपको 8 को थोड़ा देख के ऐसे रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च बार में जो GPS सिम्युलेटर का यहाँ पे देख सकते हो कुछ लिखा हुआ है कर बोल के, तो आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, आपका चाहे कुछ भी लिखा हुआ रहे। ठीक है, उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है बिहार या दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं बिहार लिख देता हूँ गाइस।
सो गाइस मैं यहाँ पे बिहार लिख दिया हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे टैप कर लेना है। तो मैं कर दिया सर्च के ऑप्शन पे टैप। उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो GPS इमिटेटर का जो लोगो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस लोगो का ऊपर आपको क्या करना है, टैप कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे मैं लोगो के ऊपर टैप किया तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो बिहार जो सिलेक्ट लोकेशन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है गाइस। तो आपको फिर से एक बार टैप कर लेना है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर तो कहाँ हो रहा यार, यहाँ पे हो गया, ठीक है, सिलेक्ट हो चुका है मेरा जो कि बिहार, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपका काम हो गया है गाइस, यहाँ से आपको चल जाना है, ठीक है, बैक चल जाना है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, ड्रीम एलेवन को ओपन कर लेना है गाइस, ठीक है। तो चलो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से जाना है वॉलेट के ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर एड कैश पर चल जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है, तो आपका भी 110% जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं ऐड भी करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं एग्जांपल के तौर पे 150 रुपये ही ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। 150 रुपये में मैं टैप कर दिया, उसके बाद आपके सामने ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं अभी फ़ोनपे में गया, और फ़ोनपे में जाने के बाद आपको यहाँ पर मैं फ़ोनपे में जाके यहाँ पर मैं कर दिया पे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देख सकते हो, जस्ट थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली जो कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो 150 रुपये मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा इसमें जाके वॉलेट में, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेरा 150 रुपये अभी जस्ट ऐड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पहले मेरा कितना था, 10 रुपया 82 पैसा था, लेकिन अभी कितना है जो कि यहाँ पर अभी 160 रुपया हो गया गाइस, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, 160 रुपया हो गया है, ठीक है। तो आपको भी इस प्रकार से ऐड कर लेना है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था।